श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण Thank you.
Thank you.
Thank you.
लक्ष्मण हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामायण जी की जय। शिलड गोपाल की जय। ओम ज्ञान तिम प्राण ज्ञानंजन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। नीलांबुजश्यामलकोमलांग सीता समारोह पितवान भाव पाणो चारु चापम नमामि रामं रघुवंशं।
श्री राम शरणम समस्त जगतां रामं बिना कागते रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामेण कार्ये नमः रामात् त्रस्यते काल भीम भुजगो रामस्य सर्वे वसे रामे भक्तिरखंडिता भवतु रामा त्वमेव चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंदमंदिरं वंदे च परमानंदं भक्तानामभयप्रदं रामायणं परं काव्यं सुपुण्यं वै शृणुत द्विजेन्द्र यस्मिन् श्रुते जराधिनासो भवत्य दोषः स नरोच्युतः वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संसारयत्यासु च सर्वलोकं संकल्पितार्थ प्रतिमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयात दुःस्वप्न नाशनं धन्यं भक्तिमुक्ति फलप्रदं रामचंद्र कथोपेतं सर्वकल्याण सिद्धिदं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकं आदौ राम तपोवना गमन हत्वा मृगं कांचन वैदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं एतद्धि रामायणं जय श्री रामायण जी की जय श्री वाल्मीकि जी की जय सभी को हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप लोग प्रेम से कथा सुन रहे थे कि किस प्रकार दशरथ जी के कौशल राज्य में अयोध्यापुरी में एक बहुत विशाल यज्ञ किया गया, अश्वमेध यज्ञ हुआ। और अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ पुत्रेष्ठि यज्ञ हुआ। तो कुछ भक्तों ने अनुरोध किया कि प्रभु जी ऐसे तो हनुमान जी की कथा नहीं हो पाएगी, आप कुछ हनुमान जी के विषय में भी बताइए। तो इसी प्रसंग में हनुमान जी की कथा आती है। जिस समय महाराज पुत्रेष्ठि यज्ञ करने के लिए प्रारंभ हुए, उसी समय
सब देवता इत्यादि आ गए थे यज्ञ में अपना भाग इत्यादि लेने के लिए। सारे देवता आकाश में आ चुके थे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना कर रहे थे और भगवान भी आए थे। यदि कोई यज्ञ बढ़िया से संपादित होता है तो वहां पर भगवान स्वयं आते हैं यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करने के लिए, देवता भी आते हैं। यदि बढ़िया से शुद्धता से और भक्ति से यज्ञ किया जाए, हम लोगों की तो ये हालत है कि यज्ञ प्रारंभ होता नहीं है और हम लोग पंडित जी से पूछते हैं कितनी देर चलेगा। बैठना बड़ा मुश्किल है, पहले ही पूछ लेते हैं तो हम लोग भी कह देते हैं कि आप एक कम चेयर में बैठ जाइए ऊपर। इसलिए हम लोग कह देते हैं क्योंकि यज्ञ में मन लगाना जरूरी है ना? बैठने का तो किसी को प्रैक्टिस रह नहीं गया है, तो एज लॉन्ग एज यजमान कंफर्टेबल है और मन लगा है, और यदि पालथी मार के बैठे हैं लेकिन लगेगा कब खत्म होगा, पैर तो बड़ा जोर से दर्द कर रहा है कब खत्म होगा, तो यज्ञ का फल कहाँ से मिलेगा, है ना। देखिए, ये यज्ञ शुरू होने के महीनों पहले तैयारी शुरू हो गई थी अयोध्या में, तो यदि हृदय में भक्ति है तो थोड़ा पहले अभ्यास कर लेना चाहिए बैठने का। भगवान के सामने बैठ के यदि किसी को अभ्यास नहीं है तो एक दो महीने पहले से बैठ के थोड़ी देर अभ्यास शुरू कर दे और जब करना प्रारंभ कर दे भगवान के सामने सोलह माला, जितनी देर में आप सोलह माला जब करके ख़त्म करेंगे उतनी देर में यज्ञ भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अभ्यास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो उससे देखिए, आप लोग कहीं ट्रैकिंग के लिए जाते हैं बड़े बड़े पर्वत में, तो उसके पहले आपको अभ्यास करना पड़ता है, आपको थोड़ा ट्रैकिंग करने के लिए छोटी छोटी जगह जाना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, थोड़ी रनिंग करनी होती है ना, इसी ट्रैक पर जाना पड़ता है थोड़ा ऊपर है जो। तो भगवान की भक्ति के लिए क्या कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, यज्ञ करने के लिए क्या कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, लेकिन यज्ञ उस समय करना चाहिए जब आप पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हों कि अब हम मन भगवान में लगाएंगे, बढ़िया से निस्वार्थ भाव से यज्ञ करेंगे, है ना, दिल खोल के यज्ञ करेंगे बढ़िया से, उस समय यज्ञ करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग हम लोगों से पूछते हैं कि पंडित जी दक्षिणा कितनी लगेगी, पहले ही पूछ लेते हैं कि दक्षिणा कितनी लगेगी, क्योंकि अगर कहीं ज़्यादा दक्षिणा बता दी तो यज्ञ ही कैंसिल है, आगे कर लेंगे। लोग बड़ा बड़ा घर बनाते हैं $1 million $2 million का, और इंश्योरेंस भी करते हैं, साल का इंश्योरेंस कितना होता है, 2000 होता है, 3000 होता है, आपके घर के हिसाब से इंश्योरेंस होता है उसका, और पंडित जी को $100-200 देने में या जो भी देना चाहते हैं उसमें देने में भी संकोच करते हैं लोग, तो इस तरह से यज्ञ नहीं होता। आपने सुना कि महाराज दशरथ ने कैसे यज्ञ किया, उन्होंने जो स्वर्ण स्वर्ग लोक का है उसका नाम है, क्या नाम बताया गया था, कौन सा नाम, स्वर्ग लोक में कौन सा स्वर्ण पाया जाता है, हाँ सही जा रहे हैं, ठीक है, और लगाइए दिमाग लगाइए, जम्बू, हाँ। तो स्वर्ग लोक का जो स्वर्ण है वो शुद्ध स्वर्ण है, जम्बू नद स्वर्ण, यहाँ का 24 कैरेट का स्वर्ण होता है, नकली है ये स्वर्ण है, ठीक है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्वर्ग लोक का के जो परांत लेके आए थे यज्ञ पुरुष जो उत्पन्न है वो जम्बू नद स्वर्ण की बनी हुई, जिसमें खीर थी चारों रानियों के लिए, दशरथ महाराज के लिए, जम्बू नद स्वर्ण की बनी है। तो दशरथ महाराज ने ऐसी 2 करोड़ से भी ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं का दान किया उस यज्ञ में।
अब देखिए ब्राह्मणों को इतना दे देते थे, इतना दे देते थे कि वो लेके नहीं जा पाते थे, तो वहीं छोड़ जाते थे आधा। तो जब अगर आपको प्रमाण चाहिए तो हम प्रमाण देते हैं आपको। जिस समय युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करना था, राजसूय यज्ञ, तो उनको बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। अब धन कहां से लाएं? तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि आप लोग उत्तर दिशा की तरफ जाइए। इस पृथ्वी में उत्तर दिशा की तरफ बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। तो भगवान कहते हैं कि वहां इतने बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं और ब्राह्मण दक्षिणा लेके जा नहीं पाए अपने साथ, तो धन वहीं छोड़ के चले गए। सोने के पात्र, वो सब ईंट ना, वो सब जो एक बार यज्ञ में चढ़ जाए वो सब ब्राह्मण का हो जाता है, तो राजा भी उसे हाथ नहीं लगाता है। तो यहाँ तो एक एक कटोरी यदि कहीं छूट जाए पंडित जी के पास, 10 फोन जाते, पंडित जी हमारी कटोरी कब ड्रॉप करेंगे, हमारी कटोरी आपके पास छूट गई। और पंडित जी के पता नहीं कहाँ क्या क्या छूट गया, वो कभी वापस नहीं आया। अब तो हम लोग अपना किट लेकर चलते हैं। पहले कर्तव्य होता था कि यजमान सोने के कलश इकट्ठे करे, सोने की ईंट लगा के वो यज्ञ करे। अब हम लोग अपना यज्ञ किट लेकर चलते हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, है ना। खैर ये तो ठीक है, जो भी है, कम से कम लोग यज्ञ करते हैं, ये बड़ी बात है। ये आज भी लोग थोड़े धर्मावलंबी हैं, इसका अर्थ कि रिलीजियस हैं अभी भी थोड़े, ये अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ बहुत धन मिलेगा। तो वे गए अर्जुन जी, और वहाँ बहुत धन पड़ा हुआ था जो ब्राह्मण छोड़ के गए थे, बहुत धन। तो बहुत बटोर बटोर के सारा धन लाए और राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज ने। तो इस प्रकार से यज्ञ होता है बिना किसी त्रुटि के। ब्राह्मण भी वैसा होना चाहिए, यजमान होना चाहिए उत्तम यजमान, लेकिन उत्तम ब्राह्मण भी होना चाहिए। यदि एक गलती हो जाए तो यज्ञ का फल भी उल्टा हो जाता है। एक यज्ञ किया था स्वर्ग में किसी ने, कि ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहते थे जो इंद्र का वध करे, लेकिन मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि हो गई मंत्र पढ़ने में, तो उसका अर्थ ऐसा हो गया, ऐसा पुत्र हो जिसका वध इंद्र करे, उल्टा अर्थ हो गया। तो कौन हुए थे वहां से? वृत्रासुर हुए थे उस यज्ञ से, जिसका वध किसने किया? इंद्र ने किया। तो यदि ब्राह्मण भी वैसे हैं, गलत तरह से मंत्र पढ़ेंगे तो आपके यज्ञ का फल भी उल्टा हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना कि धनम अग्निर्धनम वायु, धनम सूर्यो धनम वसुः, धनमिंद्रो बृहस्पतिर वरुणम धनमस्तुते। तो इसका अर्थ हम देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि धन दीजिए आपके लिए, यजमान के लिए, उनको धन प्राप्त हो, ये धनवान बने। लेकिन कहाँ कोई थोड़ी मोटी त्रुटि हो गई तो जितना धन है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए सावधान होना चाहिए, और इसलिए कभी कभी यज्ञ के अंत में एक यज्ञ किया जाता है, जो त्रुटि हुई है उन त्रुटि को दूर करने के लिए एक यज्ञ किया जाता है, और क्षमा मांगी जाती है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तमे। राम राघव प्रभु आप आगे आइए, आपको देख के कथा करेंगे, मन लगेगा थोड़ा हमारा। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे यजमान आगे बैठे। माता जी आप भी आएंगे प्रभु के संगे? चलिए आज श्री रामचंद्र जी की भक्ति के लिए आपके लिए संकल्प करते हैं कि आपको श्री रामचंद्र जी की भक्ति मिले, ठीक है? दोनों जन को साथ में, पति पत्नी को साथ में। आ गया, ठीक है, बैठिए माता जी। ओम श्रीमत भगवत आज्ञेय भगवत कैंकर्य रूपं श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमते प्रीत्यर्थं
कृपा कटाक्ष सिद्धेर्थम अस्य यजमानस्य अच्युत गोत्रोद्भवस्य शुभ नक्षत्र जातः। आपका नाम ले लीजिए, नाम धेयस्य, आपका नाम ले लीजिए, नाम नेय सह कुटुंबस्य सह परिवारस्य सह मित्रस्य सह ब्राह्मणस्य सह वैष्णवस्य क्षेम स्थैर्य आयुर आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्धेर्थम सर्व दोष निवारणार्थम मनः इष्टेर्थ सिद्धेर्थम श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमते भक्ति प्रयात्यर्थम श्री रामायण पाठ करिष्ये। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब महामंत्र का पाठ किया जाता है उस समय भी सब प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, उस समय भी सब प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए यज्ञ में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी होना चाहिए। दो चीजों से यज्ञ पूरा होता है, एक भगवान के कीर्तन से और दूसरा भगवान की कथा से वो यज्ञ पूरा हो जाता है। जैसे ये भी 9 दिन का एक यज्ञ है, रामायण यज्ञ है, 9 दिन का रामायण यज्ञ चल रहा है, तो इसमें तो कथा ही हो रही है मुख्य कार्य, लेकिन कीर्तन भी होता है। तो इस तरह से ये यज्ञ पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि चिंता मत कीजिए, देवताओं से कहा मैं बहुत ही शीघ्र अवतार लूंगा। दशरथ महाराज के आंगन में जिन्होंने पहले बहुत तपस्या की है, जो कौन थे पहले, मनु महाराज थे और शत्रुपा थे, 60,000 साल तक तपस्या की जिन्होंने। कितने वर्षों तक तपस्या की, 60,000 ईयर्स तपस्या की। तो भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। तो वही दशरथ महाराज के रूप में आए हैं, शत्रुपा जी के रूप में आए हैं, और भगवान उनके ऊपर कृपा करके कहते हैं कि मैं 4 रूपों में अवतार लूंगा, एक भी नहीं, 4 पुत्रों के रूप में, जिस आंगन में 4 भगवान के स्वरूप खेलेंगे, कितना आनंद आएगा वहां, है ना। वासुदेव शंकर शण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों के चारों राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न बनेंगे। तो ये आशीर्वाद दे के भगवान चले गए और सारे देवता पुलकित हो गए। पुलकित होने का क्या अर्थ है, आनंद में भर गए। कभी कभी आप लोग भगवान के दर्शन करते हैं, कभी कभी आप लोग भगवान का कीर्तन सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आपके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, प्रेम से सुनते हैं तो प्रेम से सुनते हैं आंसू आ जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि आप पुलकित हो रहे हैं भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में। तो इसी तरह से सारे देवता ब्रह्मा जी सहित पुलकित हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं पहले ही कुछ लोगों की उत्पत्ति कर चुका हूँ, अब मैं अनुरोध करता हूँ कि सारे देवता जितने भी देवता हैं और गंधर्व हैं, जितने भी विद्याधर इत्यादि हैं, चारण इत्यादि हैं, किन्नर इत्यादि हैं, तो आप सभी उनके घर में जाके अवतार लीजिए और या उनके उनसे पुत्र उत्पन्न कीजिए, आपके ही समान बलशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए जो श्री रामचंद्र जी की सेना में सहायता देंगे राक्षसों का वध करने के लिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने पहले ही एक बार मैं तपस्या में बैठा था और मुझे जमाई आई, मुंह खोला ब्रह्मा जी ने, तो वहां से जामवंत का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जामवंत जी, तो पहले ही मैंने जामवंत जी की उत्पत्ति कर रखी है ना। रीच कुल के थे, रीच जाति के थे, भालू थे, है ना, ये पूरे भालू नहीं थे, तो उनका मुख था वो भालू का था, के नुकीले उनके नाखून थे। हमने बताया था इनको किन्नर कहा जाता है, किन्नर का क्या अर्थ होता है, नहीं, वो गंधर्व,
किन्नर का अर्थ होता है कि किम नरह, जिनको देख के कोई कहे क्या ये नर है, क्या ये नर है। आकृति तो नर के जैसे लग रही है लेकिन ऊपर से कोई भालू का है, कोई बंदर का है, किसी जैसे हनुमान जी। हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी किन्नर है। किन्नर किम नर, क्या ये नर है। तो ऐसे तो स्वरूप है, उनका पैर है, हाथ है, लेकिन मुख जो है वो उनका बंदर का है, है ना। तो भालू है, लंगूर इत्यादि, है ना। तो इस तरह से जाकर उत्पत्ति कीजिए। तो ऐसा लिखा गया है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में, लंका कांड के पहले, जब हनुमान जी को वो जगाते हैं, उनकी शक्ति को याद दिलाते हैं, तो जामवंत जी कहते हैं कि जब मैं युवक था, जिस समय वामन देव जी ने अपना पैर बढ़ाया था, और पैर कहाँ तक बढ़ा लिया था, कारनानव की परत को भेद दिया था, कारनानव का जल आने लगा था, वहीं से गंगा नदी निकली, तब उतने बड़े भगवान की मैंने 21 बार परिक्रमा कर ली थी। कितने बार? 21 टाइम्स परिक्रमा कर ली थी। किस वेग से? मन के वेग से, स्पीड ऑफ माइंड, इतनी तेज से। तो ये 100 योजन का समुद्र मेरे लिए क्या है लांग के उस तरफ जाना, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझ में उतनी शक्ति नहीं, पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। जब मैं जवान था तो मैंने भगवान वामन देव जी की 21 बार परिक्रमा मैंने कर ली थी। एक श्लोक है, हमने उसको लिखा भी है, आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। ये सर्ग 32 है, ये किष्किंधा कांड का उसका श्लोक है। त्रिविक्रम मया ताता शशैल वन कानना त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वी परिक्रांता प्रदक्षिणा। तो पूरी पृथ्वी सहित 100 योजन समुद्र की क्या बात की जाए, रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक, पूरी पृथ्वी के सहित कितनी परिक्रमा कर ली थी? 21 परिक्रमा कर ली थी। ये हैं जामवंत जी। तो इतने शक्तिशाली किन्नरों को उत्पन्न किया गया, बताइए, देवताओं के द्वारा। तो साधारण मत समझिए जिनको उत्पन्न किया गया था देवताओं ने। तो हम थोड़ा लिख के लेके आए हैं कि किससे कौन उत्पन्न हुए। तो आप लोग जानते हैं कि बाली किसके पुत्र हैं जी? इंद्र। बाली जो है वो इंद्र देव के पुत्र हैं, बाली से इंद्र आए। और उनके भाई सुग्रीव वो किसके अंश हैं? सूर्य देव के अंश हैं। और इसके अलावा बृहस्पति जी ने तार नाम के वानर को उत्पन्न किया। ये सब रामचंद्र जी की सेना में थे। कुबेर के द्वारा गंध माधव जी आए। ये सब चाहते थे कि रावण का वध हो, क्योंकि इन सबको त्रास दिया था, इन सबको प्रॉब्लम में डाल दिया था रावण ने। कल आपने सुना कि रावण कितना बदमाश था। और विश्वकर्मा जी से उत्पत्ति हुई नल नामक वानर की। किसने बनाया था ये पुल रामेश्वरम से श्रीलंका तक? नल। क्यों ना बनाए? किसके पुत्र हैं? विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं। तो जानते हैं, सारी कलाओं को जानते हैं, सारे सारे आर्किटेक्चर को जानते हैं बढ़िया से, कैसे हमें पुल निर्माण करना है। तो अग्निदेव से नील आए, तो ये दोनों साथ में रहते थे, नल नील। और अश्विनी कुमारों से, अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विध नाम के वानरों को उत्पन्न किया। वरुण से सुषेण आए। महाबली पर्जन्य से शरभ नाम के वानर आए। और आप लोग जानते हैं, ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी ऑलरेडी कौन आ चुके हैं।
वायुदेव के औरस पुत्र हनुमान जी पहले ही जन्म ले चुके हैं। तो हनुमान जी की बात निकलती है यहाँ पर, तो यहीं से हम हनुमान जी की कथा का उदय करेंगे। आप लोगों को हम हनुमान जी के विषय में आज थोड़ा बताएंगे। और वैसे भी आप लोग रोज हमारे साथ श्लोक कहते हैं। हनुमान जी बहुत प्रतापी हैं, हनुमान जी भगवान की भक्ति भी देने वाले हैं। और ऐसा कहा गया है, आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। रामचंद्र जी के द्वार में कौन बैठता है? हनुमान जी बैठते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी की अनुमति के बिना, हनुमान जी की कृपा के बिना कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों में नहीं जा सकता है। जिस प्रकार आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? नित्यानंद प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। राधा कृष्ण की कृपा चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर आपको श्री रामचंद्र जी की कृपा चाहिए तो हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी तो खड़े रहते हैं धनुष बाण लेके, अब डर जाएंगे। शेषनाग जी 1000 फणों वाले, लेकिन हनुमान जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। वो कृपा कर देंगे तो आप श्री रामचंद्र जी के पास आसानी से पहुंच जाएंगे। तो हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं प्रतिदिन, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तकांजल वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसं। इस श्लोक का अर्थ क्या है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां पर रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, तुलसीदास जी रामचंद्र जी की कृपा प्रसाद चाहते थे, तो उनसे एक प्रेत ने कहा, वो जाते थे रोज शौच क्रिया के लिए। देखिए किसी की गाड़ी तो नहीं है, कोई देख लीजिए एक बार, किसी गाड़ी तो नहीं है, घर का लाड़। अच्छा, तो वो सोच के लिए जाते थे सुबह, पहले तो लोटा लेके जाना पड़ता था। हम लोग तो बहुत गए इंडिया में लोटा लेके सब, अभी तो यहाँ तो बढ़िया से सब जगह टॉयलेट बनी हुई है। तो सोच क्रिया के लिए अब गए लोटा लेके। सुबह सुबह पहले हम लोग जाते थे कई जगह, कथा में भी गए हैं, बिहार कथा में गए हैं, महाराज की बहुत जगह था, बस लोटा लेके निकल जाते थे। सुबह सुबह ठंड के समय में एकदम ठंड रहती थी ना, वहाँ सांप भी घूमते हैं। क्या वो डरा नहीं रहे आपको? तो एक प्रेत ने कहा था हनुमान जी से, क्या कहा था कि जहां आप कथा में जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो आते हैं और जो सबसे अंत में जाते हैं उनके पैर पकड़ लेना। तुलसीदास जी से कहा था, प्रेत ने कहा था तुलसीदास जी से, कि जो सबसे पहले आते हैं और जो सबसे अंत में जाते हैं उनके पैर पकड़ लेना, वही हनुमान जी हैं। वही हनुमान जी चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। उन्होंने बताया कि आपको चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। हनुमान जी ने फिर बता दिया तुलसीदास जी को। तो कहने का अर्थ ये है
कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। अपनी अंजलि को जोड़ के और अपने मस्तक को झुका के हनुमान जी बैठे रहते हैं उस स्थान में जिस स्थान में भगवान श्री रामचंद्र जी का कीर्तन होता है। राम रामेति रामेति, राम संकीर्तन कर रहे हैं अपन राम, लेकिन रामेति संबोधित करता है जहां पर कथा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है, श्री रामचंद्र जी की कथा हो रही है। तो जहां श्री रामचंद्र जी का नाम गाया जा रहा है और जिस स्थान में श्री रामचंद्र जी की कथा चल रही है उस स्थान में हनुमान जी हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कई बार कथा करते करते ऐसे देखा करते थे ऊपर, यहाँ वहाँ देखा करते थे। किसी भक्त ने पूछा कि आप क्या देख रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता आए हैं कथा सुनने के लिए। तो प्रभुपाद को दिखाई देते थे, श्रील प्रभुपाद जी 33 करोड़ देवी देवता दिखाई देते थे। तो हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, जब हम लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं तो हम लोगों का मन उस समय केवल भगवान में लगा होना चाहिए और कथा में लगा होना चाहिए, कहने वाले का भी और सुनने वाले का भी। क्यों? क्योंकि भैया देवता बैठे हैं, है ना, कोई गलती करे तो फिर थप्पड़ भी मारेंगे, घूंसा भी मारेंगे। जैसे किसको घूंसा मारा था हनुमान जी ने? लंकनी को घूंसा जैसे मारा था, वैसे घूंसा भी मारेंगे कोई गलती करोगे तो। वो बर्दाश्त नहीं करते कि आप कोई भगवान के भजन में कोई त्रुटि करो, ठीक कर देंगे आपको। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम। हमेशा उनकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, दुख के आंसू नहीं होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं। चेहरे में मुस्कुराहट और आंखों में आंसू, भगवान के भजन के आंसू होते हैं। वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत, ऐसे मारुति को मैं प्रणाम करता हूं जो राक्षसांतकम, सारे राक्षसों का अंत करने वाले हैं। यदि हम लोग अर्थ समझ के कोई श्लोक पढ़ते हैं तो वो जल्दी याद होता है, है ना? और जब हम प्रणाम करें इन श्लोकों से तो अर्थ भी सामने आना चाहिए। तो एक बार फिर से हमारे सामने, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तकम् वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। यदि आप लोग इस श्लोक का पाठ करेंगे प्रतिदिन तो आपके ऊपर से ग्रहों की बुरी दशाएं नष्ट हो जाएंगी और कोई भी भूत प्रेत पिशाच राक्षस आपको वश में नहीं कर सकता है, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। जो प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी का कीर्तन करता है उसे भी संसार में धन इत्यादि मिलता है, सम्मान मिलता है, यश मिलता है ना। इह लोक के वरान भुक्त्वा, इस लोक में कई प्रकार के भोगों को भोगते हुए अंतकाल में वैकुंठ फल दायकम, वैकुंठ फल मिलता है जो श्री रामचंद्र जी का कीर्तन करता है, जो श्री रामचंद्र जी का भजन करता है, है ना। तो इसलिए अपने बिजी जीवन में से थोड़ा समय निकाल कर और कथा इत्यादि करना चाहिए। खूब कमा रहे हैं दिन रात, सभी लगे हुए हैं कमाने में, दिन रात लगे हुए हैं ना। सुबह से शुरू हो जाती है दौड़ और रात तक चलती है, रात तक लोग करते रहते हैं, अब सोते भी हैं तो उसमें भी दिमाग लगाते रहते हैं कि और धन कैसे कमाएं। लेकिन क्या बताइए कि कफन में जेब है, एक दिन हम सभी को जाना है और क्या लेके जाएंगे बताइए।
कुछ लेके जा सकते हैं, कफन में जेब है कि थोड़ा सा रख लेंगे और ले जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। इसलिए उतना कमाना चाहिए जितना आवश्यक है, जितना हम सुख सुविधा से यहाँ पर रह लें और भगवान की भक्ति कर सकें। अधिक धन से भी भगवान की भक्ति नहीं होती है ना। कभी कभी सुनने में ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लोग कहते हैं क्या बोल रहे हैं, धन कमाएंगे तभी तो हम अच्छा बड़ा मकान खरीदेंगे, मकान अच्छा बड़ा खरीद लेंगे लेकिन उस मकान के साथ साथ हम अपनी मृत्यु को खरीद लेते हैं। जानते हैं, बड़ा मकान जब खरीदते हैं वो तो अपनी मृत्यु को खरीद लेते हैं, चिंता हृदय में आ जाती है, इतना बड़ा मॉर्गेज है। एवरी मंथ हमको $5,000 $6,000 भरना है, कहाँ से भरेंगे? थोड़ा बीमार हो गए तो फिर कहाँ से पैसा आएगा, किससे मांगेंगे, कौन देगा? और तब तक में चार लोग तो वैसे मांगने वाले खड़े होते हैं हम लोगों से। तो इसीलिए उतना अर्जित कर लो जितना आवश्यक है, और बाकी समय कहाँ लगाना चाहिए? भगवान के भजन में, क्योंकि आज नहीं तो कल ये प्राण पखेरे उड़ेंगे। हम में से किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि हम 80 साल जिएंगे, कोई लेके आया सर्टिफिकेट? किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। किसी को चित्रगुप्त जी ने इंश्योरेंस नहीं दिया है कि आप इतने साल जी जाएंगे। कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है। हम लोग मोटरवे में जब निकलते हैं तो देखते हैं कितनी कितनी कार, कितने कितने ट्रक, हमें क्या पता कौन शराब पी के गाड़ी चला रहा है, कौन रात भर नहीं सोया है ना, कौन नया ड्राइवर है जो बस आ गया है गाड़ी लेके, है ना। और क्या पता किसी के ऊपर अचानक से भूत प्रेत पिशाच पकड़ ले किसी को रास्ते में। समुद्र के किनारे घूमते रहते हैं भूत प्रेत पिशाच, इसलिए हम लोग कहते हैं स्त्रियों से उन्हें बाल बांध के जाइए किसी पेड़ के निकट, समुद्र के निकट, है ना, बाल बांध के जाना चाहिए। नहीं, बस खुले बालों से बस घुमा करती हैं स्त्रियाँ, जहाँ जहाँ चाहें वहाँ घुमा करती हैं, है ना। खैर, इन बातों को ज़्यादा आजकल बोला नहीं जा सकता है, नहीं तो लोग नाराज भी हो सकते हैं। तो ये शास्त्रिक बातें हैं कि बाल बांध के जाना चाहिए। क्यों? आपके ऊपर भूत प्रेत पिशाच हमला नहीं करेंगे, राक्षस हमला नहीं करेंगे। देखिए, भगवान का कीर्तन करने से, जब हम लोग भगवान का कीर्तन करते हैं तो वैसे ही इनका हमला नहीं होता है। तो चलो, जो जैसे जीता है लेकिन भगवान का कीर्तन कर ले, इन मंत्रों को पढ़ें तो वो खुश रहेगा, भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पहुँच गए, मारुति जी को प्रणाम करते करते, क्योंकि शायद ब्रह्मचारी हैं इसलिए शायद उन्होंने हमारे मुंह से निकलवा दिया। परम ब्रह्मचारी हैं, एक दिन उनके पीछे भी एक खुले बाल वाली स्त्री पड़ गई थी। हनुमान जी के भी पीछे एक घटना, एक बार हम आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब ये ब्रिज बनाया जा रहा था, कहाँ से कहाँ तक ब्रिज बन रहा था, अभी सुना आप लोगों ने, रामेश्वरम से ब्रिज कहाँ तक बन रहा था, श्रीलंका तक। तब क्या हुआ, रावण की एक अनुचरी थी, मरमेड होती है, वो मरमेड थी। तो रावण ने उसको बुलाया, बुला के कहा जाओ जाके पुल को तोड़ दो। बहुत शक्तिशाली होती थी मरमेड वगैरह, शक्तिशाली लोगों को उसने अपने वश में रखा था, बहुत शक्तिशाली थी। तो वो गए समुद्र में और जाके उसने विशाल काय मछली का रूप लिया और अपने पूंछ से जोर जोर से मारने लगी। नल नील बना रहे थे पुल और वो जोर जोर से मारने लगी, तोड़ने लगी। तो हनुमान जी ने कहा ये कौन आ गया तोड़ने वाला? तो हनुमान जी कहते अरे कौन है, सामने आओ, कौन वहां तोड़ रहा है इस ब्रिज को? तो आई सामने, और जब हनुमान जी की सुंदर बॉडी को देखा उसने, तो देखती रह गई। हनुमान जी के सिक्स पैक देखे और इतना सुंदर विग्रह देखा तो देखने लगी। और हनुमान जी कहते हैं कि विघ्न डाल रही हो भगवान की सेवा में, अभी मैं युद्ध करके तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तो करो युद्ध, कहती है करो युद्ध। तो हनुमान जी उसके साथ युद्ध करने लगे
और युद्ध करने लगे तो वो खेल खेल में हनुमान जी का कभी आलिंगन करते थे, कभी यहाँ से टच करते थे, कभी वहां से टच करते थे। तो हनुमान, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये क्या कर रही हूँ। हनुमान जी डांटे उसको, डांट लगाए जोर से। तब फिर वो कहती है, मुझे तो आप भाग गए, बहुत अच्छे लगे। तो हनुमान जी कहते, नहीं नहीं नहीं, मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक, अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो वो कहती है, तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, ये तो स्वामी के सेवक है, अच्छे आदमी है ये। वो रावण वो तो बदमाश है, इसकी बात में मान के आई हूँ, तो मैं भी आपके साथ आज से राम की सेवा करूँगी, है ना। फिर उसके बाद वो अलग से राम की सेवा करती थी, ब्रिज बनाने में वो भी सहायता करने लगी, वो अलग से। हनुमान जी दूर रहते थे उससे, उसके पास नहीं जाते थे हनुमान जी, जानते थे कि इसके मन में चोर है, तो नहीं जाते थे उसके पास। हनुमान जी की बहुत सारी कथाएं हैं, आप जानते हैं कि हनुमान जी कैसे प्रकट हुए। हनुमान जी की माता, उनका नाम था अंजना, अंजना उनका नाम था, और अंजना के पति का नाम क्या था, केसरी। इसीलिए हनुमान जी को कभी कभी केसरी नंदन कहा जाता है, कभी कभी अंजनी पुत्र कहा जाता है, अंजना पुत्र कहा जाता है। तो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, एक बहुत बड़ी अप्सरा थी, जिसको ऋषियों ने श्राप दिया था, इसलिए ये इस पृथ्वी पर आकर एक बंदर बन गई थी, इसको बंदर बना दिया था। बहुत सुंदर थे, पुंजी कस्थला नाम की एक अप्सरा थी, पुंजी कस्थला नाम की एक अप्सरा थी। लेकिन इसको बाद में एक वरदान भी दिया कि जब तुम्हारे गर्भ से बालक का जन्म होगा, एक पुत्र को जन्म दोगी, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो एक बार इसकी सुंदरता से वायुदेव मोहित हो गए थे, और वायुदेव ने आके इनका आलिंगन किया। तो ये तो केसरी की पत्नी थी, तो डर गई कि मेरा सत्यत्व भंग हो रहा है, ये कौन है। तो तब तक मैं प्रकट हुए उनके सामने वायुदेव, और वायुदेव ऐसा कहते हैं कि मैंने अप्रगट रूप से आपके साथ मैंने मानसिक समागम किया है, इसलिए आपका सत्यत्व भंग नहीं होगा, लेकिन आपके गर्भ से एक पुत्र होगा जिसकी ख्याति पूरे विश्व में फैलेगी, और जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, तो प्रसन्न हो गए। तो वायु के औरस पुत्र माने जाते हैं, है ना, केसरी नंदन, केसरी नंदन महाजगवंदन, है ना। तो ये स्वाभाविक रूप से भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और बचपन से इनके पास बहुत शक्ति थी, वायु पुत्र हैं तो क्यों ना बहुत ही शक्ति होगी। अब देखिए, और भीम को देख लीजिए, भीम, भीम के पास भी कितनी शक्ति थी, भीम किसके पुत्र थे, वायु पुत्र थे भीम भी। इसके साथ साथ हनुमान जी शिव जी के अंश भी हैं, हनुमान जी को शिवजी का अंश माना जाता है, और वायु पुत्र माना जाता है। तो जिस समय महाराज दशरथ ये दिए अपनी रानियों को, किस प्रकार से उन्होंने बंटवारा किया स्वीट राइस का, देवताओं के द्वारा पकाई गई खीर का बंटवारा कैसे किया, आधा उन्होंने पहले कौशल्या को दिया, जो बचा था फिर उसका आधा किया, आधा किसको दिया, सुमित्रा को दिया, क्योंकि वो छोटी थी, कैकेयी को बुरा नहीं लगा, अच्छी रानियां थी। फिर जो आधा बचा उसके फिर से दो बंटवारा किया, दो भाग में विभाजित किया, और हाफ किसको दिया, कैकेयी को, और जो आधा बचा था कुछ सोच समझ के सुमित्रा को दे दिया। तो जब ये रानियां खीर खा रही थी, उस समय एक पक्षी वहां से कुछ खीर उनके हाथ से लेकर भागा, और भागा 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 कहां पहुंच गया, किष्किंधा में पहुंच गया, जहां पे अंजनी खड़ी हुई, और उसके चोंच से वो खीर गिरी, और वायु ने वो खीर बहा कर लाके, उस समय अंजनी पूजा कर रही थी भगवान की, तो पूजा करके ऐसे कुछ मांग रही होंगी, तो तभी उनके हाथ में वो खीर आके गिरी, वही खीर जो कहाँ से निकली थी, अग्नि से निकली थी, वही खीर प्राप्त हुई। तो अंजनी ने उसे ग्रहण किया, अंजना ने उसे ग्रहण किया, और
गर्भ धारण किया, ऐसी कथा भी आती है। तो उसी प्रताप से किसका जन्म हुआ? हनुमान जी का जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम हनुमान जी नहीं था, इनका बचपन का नाम था सुंदर। माता प्यार से कहती थी सुंदर, सुंदर लाला, सुंदर कहती थी। इनके ही नाम पे एक कांड का नाम श्रीमद् रामायण जी में सुंदर कांड पड़ा है। कहते हैं नाम सुंदर कांड, कई कारण हैं कि सुंदर कांड नाम पड़ा। तो एक कारण क्या है? हनुमान जी का नाम है सुंदर। जब पहुंचे अशोक वाटिका में तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा सुनाई, इसलिए भी उनका नाम है सुंदर। और इसमें सुंदर के चरित्र का वर्णन है इस कांड में, इसलिए इस कांड का नाम है सुंदर। शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनि संवेदांत वेद्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम। आगे बोलिए, आगे मंत्र क्या है, किसको याद है? किसको याद है? सुंदर आप लोग पढ़ते हैं ना चालीसा, जोर से बोले। अतुलित बल धामम हेम सैलाभ दे दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण सकल गुण निधानम राणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। अतुलित बल के धाम है, और बाद में नहीं बचपन से थे, जब से जन्म लिया तब से ये अतुलित बल के धाम है। कैसे पता है? इतना बल था इनमें कि इस बल से बहुत चंचल प्रकृति के हो गए थे, बहुत चंचल प्रकृति के। कभी कभी नहाने जाते थे तो बस पानी के अंदर घुसे रहते थे, वहीं पे बैठ जाते थे, पानी के अंदर लेटे रहते थे। और ऋषि मुनि नहाते थे तो बस पैर पकड़ के खींच लेते थे, बार बार छोड़ रहे करते थे, तब वो फिर छोड़ देते तो ऊपर आते थे ऋषि मुनि की कितना बदमाश हो गया है सुंदर, पहचानते थे तो श्राप नहीं देते थे, तो ऐसा करते थे। एक बार मैया अंजना ने कहा, बेटा मैं आती हूँ, भूख लगे तो लाल फल खा लें। किष्किंधा में उनकी गुफा है, अगर आप जाएंगे तो पहले आपको ऊपर जाना पड़ेगा पहाड़ के, फिर नीचे उतरेंगे, फिर किष्किंधा में उनकी गुफा है अंदर, तो उसी गुफा की बात है, ये लाल फल है खा लेना। तो उनका ठीक है, और तब तक वो बाहर आके देखे तो उनको सूरज दिखाई दिया, सूर्य। बोले मम्मी यही लाल फल के बारे में बोल रही थी, मम्मा वॉज टेलिंग मी ईट रेड फ्रूट, दिस इज द रेड फ्रूट। तो उन्होंने लगाई जंप, वहीं से जंप लगाई और वो सीधे आकाश मार्ग की तरफ जाने लगे। ये सारे के सारे वानर जो प्रकट हुए थे ना देवताओं से, इसी तरह के थे, कभी भी आकाश में चले जाते थे और बादलों को पकड़ लेते थे, पर्वतों को उठा के फेंका करते थे, एक दूसरे से जब कुश्ती करते थे तो हजारों पेड़ गिर जाते थे, क्योंकि इनके पास बहुत शक्ति थी। और एक दो नहीं करोड़ों वानर थे, करोड़ों वानर थे। देवताओं ने उत्पत्ति करके रखी थी कि जब श्री रामचंद्र जी जाएंगे रावण से युद्ध करने के लिए तो एक करोड़ों वानर साथ में जाएंगे, और ये राक्षसों को फेंका करते थे उठा उठा के, और राक्षसों के ऊपर बड़ी बड़ी शिला पटकते थे,
बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के और सीधे फेंक देते थे उनके ऊपर, वो कराहते हुए गिरते थे, राक्षसा जा रहे थे जब ऊपर हनुमान जी तो देखते थे, बीच में बहुत प्रकार के ग्रहों को देखा, कई प्रकार के ग्रह थे। उस समय राहु सूर्य को ग्रसने वाला था, ग्रहण लगने वाला था, और जैसे जैसे वो सूर्य की तरफ जाते थे वैसे वैसे इनका आकार भी बड़ा होता जाता था। आप तो बोलेंगे सूर्य तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा है, इतने बड़े सूर्य को पृथ्वी में रहने वाला बंदर कैसे खा लेगा, प्रश्न होता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की तरफ जाते थे वैसे वैसे अपने आप इनका आकार बढ़ता जाता था। क्यों? इस सर्व सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, सारी सिद्धियों के दाता हैं, तो क्या इनके पास सिद्धियां नहीं होंगी? ये सिद्धियां क्यों हैं इनके पास, कारण क्या है इनके पास सिद्धियां है? क्योंकि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, इसी कारण इनके पास सारी सिद्धियां हैं, क्योंकि इनके पास राम रसायन है, इसी है ना। तो गए सूर्य के पास और सूर्य को निगल लिया सूर्य। जब सूर्य को निगल लिया तो सर्वत्र अंधकार फैल गया। राहु ने सोचा कि मैं ग्रसने वाला था सूर्य को, ये कौन आके सूर्य को ग्रस लिया? तो उन्होंने देखा अभी तुमने लाल फल खाया है, ये काला फल कहां से आ गया? हनुमान जी देखते काला फल कहां से आ गया, तो काले फल को भी ग्रस लिया, तो सूर्य को राहु के साथ खा गए हनुमान जी। राहु से हम सब डरते हैं, राहु की दशा ना लगे हम सब डरते हैं, और हनुमान जी राहु को ही खा गए। बताइए तब तक किसी ने इंद्र से कहा जाके सूर्यदेव इज मिसिंग इन एक्शन, देयर इज नो सूर्य, चारों तरफ डार्कनेस हो गया है, सूर्य है ही नहीं, सूर्य गायब हो गया अचानक से। तो तुरंत वो अपने हाथी में चढ़ के गए, कौन सा हाथी है इंद्र के पास? ऐरावत। कैसे रंग का है? सफेद रंग का है। सफेद रंग के ऐरावत में चढ़ के गए और जाके देखते कि अरे विशाल का ये वानर ये सूर्य को खा गया, क्रोध आया बहुत। तब तक हनुमान जी ने देखा कि ये सफेद फल कहां से आ गया, ये सफेद फल कहां से आ गया, तो आगे जाने लगे उनको भी खाने के लिए। लेकिन उसके हाथ में वज्र है, इंद्र के हाथ, तो वज्र से प्रहार किया। ये दधीची मुनि के हड्डियों का बना है, ये निष्फल नहीं होता, मुनि की हड्डी का बना है, तो हनुमान जी ने सम्मान किया। तो आके उनकी ठोड़ी में लगा, छिन इसको ठोड़ी कहते हैं, ठोड़ी में लगा और यहाँ पे क्रैक हो गई ठोड़ी, इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान, क्योंकि उनकी हनु, इसको हनु कहते हैं, हनु में इंद्र का प्रहार हुआ तो यहाँ पे स्क्रैच आ गया, वो ब्रेक हो गई उनकी। तो उस दिन से उनका नाम पड़ा हनुमान, और मूर्छित होकर गिर पड़े, सूर्य चंद्रमा निकल गए। जैसे ही वायु देव को पता चला कि मेरे औरस पुत्र के ऊपर इंद्र ने आक्रमण किया है, उन्होंने वायु को खींच लिया अपनी तरफ, बहाना बंद कर दिया, गुस्सा आ गया उनको कि मैं सारे संसार को वायु देता हूं, सारा संसार जीवित है, और मेरे ही पुत्र को इन्होंने वज्र का प्रहार किया, तो सारी वायु को उन्होंने खींच लिया, तो वैक्यूम पैक हो गया ब्रह्मांड में, कोई भी सांस ले नहीं पा रहा था, क्योंकि वायु बंद हो गई, सांस कोई कैसे लेगा। तब त्राहिमाम चारों तरफ हो गया, सब ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब उनको प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, सब मिलके चलो और हनुमान जी को सब वरदान देंगे। तो हनुमान जी को सब वरदान देने लगे, अलग अलग वरदान देने लगे, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने उनको बहुत बहुत वरदान दिए कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, जब तक चाहोगे तुम तब तक जियोगे, और उन्होंने उन्हें एक हीरे की माला भी दी। हीरे की माला क्यों दी? बाल ब्रह्मचारी, इनको हीरे की माला की क्या आवश्यकता है? एक बार किसी जौहरी ने दी थी, वो काट काट के देख रहे थे कि इसमें राम है कि नहीं है, इसमें मेरे राम है कि नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने माला दी तो क्या, ब्रह्मा जी ने पहले कह दिया देखो भैया मैं माला दे रहा हूँ, तोड़ना मत, माला दे रहा हूँ पहन लो, जो इस माला को देख पाएगा वही तुम्हारा स्वामी होगा।
जब गए सुग्रीव से मित्रता करने के लिए, एक राक्षस ने कहा था कि जाके सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वो आपकी सहायता करेंगे राक्षस मरते समय। तो वो गए सुग्रीव से सहायता मांगने के लिए। सुग्रीव तो डर गया, हनुमान जी को भेजा कि जाओ पता लगाओ कौन है। उसको लगा कि बाली ने किसी को भेजा होगा, क्योंकि वो इस ऋषि मुख पर्वत में आ नहीं सकते हैं, बाली तो आ नहीं सकते, उनको श्राप है ऋषि का। तो जाके लगता है उसने किसी और राजा से मित्रता करके हमें मारने के लिए इनको भेजा है। तो जब हनुमान जी गए उनके पास, कैसे वेश रख के गए थे? एक ब्राह्मण का वेश रख के गए थे। कैसे ब्राह्मण का? विरक्त ब्राह्मण का, सन्यासी का वेश, और बड़े बड़े बहुत अच्छे वेदों में उन्होंने संस्कृत में बातें की श्री रामचंद्र जी से, और बहुत पूछा श्री रामचंद्र जी से आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पहले तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें सुग्रीव ने भेजा है, हम सुग्रीव के सेवक हैं, ऐसा कह दिया। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा हम सुग्रीव के सेवक हैं, ये बात रामचंद्र जी को नहीं भाई, और रामचंद्र जी ने हनुमान जी से 4 महीने तक बात नहीं की कि हमारे सेवक होके कहते हो हम सुग्रीव के सेवक हैं। 4 महीने तक प्रेम में बात नहीं की। और जब रावण ने पूछा रे वानर कौन है तू, पूछा कहां से आया है, तो उनको याद आ गया श्री रामचंद्र जी ने 4 महीने तक हमसे बात नहीं। मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूं, तब उन्होंने कहा दोबारा गलती नहीं करनी। एक बार 4 महीने तक वापस बात नहीं की, वापस कह दिया सुग्रीव का सेवक हूं, तो फिर से बात करना बंद कर देंगे। मैं राम दूत हनुमान हूं, श्री राम का सेवक हनुमान हूं। तो फिर बाद में वहां पर वार्तालाप करते करते लक्ष्मण जी से कहा कि परिचय बताओ, तो लक्ष्मण जी ने परिचय बताया। श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी से कि आप बातें तो विरक्तों की तरह करते हैं, सामवेद ऋग्वेद इन सब का आपको ज्ञान है, आपकी बातों में आपकी भाषा में एक भी त्रुटि नहीं थी, पता चलता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये बताइए मुझे कि विरक्त हैं लेकिन ये हीरे का हार क्यों पहने हैं? देख लिया श्री रामचंद्र जी ने, तो वहीं पर नैनों में आंसू आ गए। किसके? हनुमान जी के। वाष्प वारे परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम्। तो नैनों में आंसू आ गए कि यही मेरे प्रभु, यही मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं। और फिर बार बार हाथ जोड़ते हुए इनको लेकर गए कि सुग्रीव का सौभाग्य है ये आप यहाँ पर पधारे उनसे मित्रता करने के लिए। किसने दिया था ये? ब्रह्मा जी ने दिया था। सूर्य को निगल गए थे, सूर्य ने भी दिया, मैं तुम्हें इम्यूनिटी देता हूं, अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी। गए पूरी लंका को जला कर आ गए। क्या छोड़ा था? अशोक वाटिका और विभीषण जी का महल। देखिए भक्तगण सेवा करते समय बहुत सावधान रहते हैं। भक्तगण जब सेवा करते हैं ना, तो बहुत सावधान रहते हैं, बहुत केयरफुल रहते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, अपने क्रोध को भी, है ना? लगाया क्रोध को हनुमान जी ने सेवा में, इस तरह से क्रोध को सेवा में लगाया जा सकता है जैसे हनुमान जी ने लगाया। बहुत क्रोध किया और क्रोध करके उन्होंने क्या किया, लंका में आग लगा दी। लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि अशोक वाटिका में आग ना लगे क्योंकि मेरी माता वहां बैठी है। इस बात का ध्यान रहा कि विभीषण भगवान का भक्त है, उसके महल में आग ना लगे। जब वो आग लगा रहे थे तो इंद्र बारिश कर रहा था, इंद्र की तरफ तुम मेरे मित्र हो कि शत्रु? एक बार तो तुमने मेरी तरफ वज्र फेंका था, अभी तक तुम्हारी शत्रुता गई नहीं, अभी तक तुम मेरे ऊपर इस तरह से कर रहे हो, मैं यहाँ आग लगा रहा हूँ और तुम पानी बरसा रहे हो। तो इंद्र ऊपर से कहते हैं मित्र ये आग नहीं है, पेट्रोल है। आग नहीं है,
पेट्रोल है, आग और भड़केगी। तो ऐसा रसायन बरसा रहे थे ऊपर से जो आग को और भड़काने वाला था। वायुदेव जी और तेज हवा चला रहे थे कि जल्दी आग लग जाए और जलकर भस्म हो जाए। उस समय हनुमान नहीं जले, क्यों? सूर्य देव जी ने उनको इम्यूनिटी दी थी, इंद्र ने आशीर्वाद दिया, सारे देवताओं ने आशीर्वाद उनको दिया अलग अलग। वायु देवता भी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, सभी ने। विश्वकर्मा जी ने उनको क्या कहा कि आपकी बुद्धि बहुत इंटेलेक्चुअल होगी, है ना, तो वो कहीं भी जाएं उनको कोई माया नहीं पकड़ सकती, चाहे वो किसकी भी ना, चाहे वो रावण की नगरी हो चाहे वो अहिरावण की नगरी हो, लेकिन रावण श्री हनुमान जी को इनकी माया से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सब ने उनको आशीर्वाद दिया तो और अपनी शक्ति को बढ़ा के वापस लौटे, तो और अत्य करने लगे, और ज़्यादा नटखट हो गए। जब और नटखट हो गए तब एक बार की घटनाएं बताते हैं आपको कैसे वो भूले थे अपनी शक्ति को। एक बार की घटना, एक ऋषि, ऋषिगण ब्राह्मण देवता कितने बजे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। विभीषण जी को कैसे पहचाना हनुमान जी ने, ना? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के राम 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 कह रहे थे तो पहचान लिया कि ये भगवान, ये हमारे ही व्यक्ति, हमारे आदमी हैं, इनसे बोलने में कोई हानि नहीं है, अपने मन की बात जाके सब बात बताए। तो एक ऋषिगण जो सुबह सुबह उठ जाते थे और उठ के वो लोटा लेके सोच के लिए जाते थे नित्य क्रिया के लिए, तो एक बार हनुमान जी ने क्या किया कि उनके घर के मेन गेट में एक बहुत बड़ा कहीं से सिंह पकड़ लाए, एक बहुत बड़ा लायन पकड़ लाए और लाके मेन गेट में बांध दिया। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला सुबह सुबह, सुबह सुबह सबको प्रेशर होता है ना जाने के लिए, तो वो तो जा रहे थे, उन्होंने खाया होगा अपना त्रिफला, खाया जो भी खाया कर जाए, तो वैसे ही प्रेशर बढ़ गया। तो उसके बाद उन्होंने जाने लगे तो दरवाजा खोला तो करके सिंह डर गए, तुरंत बंद किया, जो पीछे के दरवाजे से चला जाऊं क्योंकि जाना तो जरूरी है। तो वहां पर एक बहुत बड़े विशालकाय हाथी को बांध दिया था, तो यहां जाते तो सिंह और पीछे जाते तो हाथी। और उन्होंने खिड़की से देखा तो वहां पे हनुमान जी जमीन में लोट लोट के खूब हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे। जब अंदर ये दशा थी बेचारे ऋषि की और बाहर ये छोटे से थे उस समय सुंदर हनुमान जी, तो जमीन में लेट लेट के खूब ऐसे हाथ पटक पटक के पटक पटक खूब हंस रहे थे, खूब हंसी आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसे ही करता रहा तो किसी दिन बहुत बड़ा अपराध कर देगा, श्राप दे दिया कि ये अपनी सारी शक्ति को भूल जाए, और जब तक इसे कोई इसकी शक्ति को याद नहीं दिलाएगा तब तक उसे ये शक्ति याद नहीं आएगी। उस दिन हनुमान जी एकदम सीधे हो गए, बिल्कुल सीधे आए थे, उड़ के जमीन में पैर नहीं रखते थे, उड़ के चलते थे, कहीं यहां से उस घर में भी जाना तो उड़ के जाते थे, ये सारे वानर आकाश में उड़ सकते थे, उड़ के जाते थे सब जगह, और अब पैर से चल के अपने घर में गए। पिताजी ने कहा कि जाओ जाके कुछ सीखा। तो जब सूर्यदेव जी इनकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे तो सूर्यदेव ने कहा था कि मैं तुम्हें वेद भी पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें वेद भी सिखाऊंगा। तो उसके बाद वो पढ़ने के लिए गए थे, वेद पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव से कहा हमें वेद पढ़ना है, हमें वेद पढ़ाइए। सूर्यदेव जी कहते हैं कि ऑलरेडी सारी बुकिंग हो गई है, अब मेरे रथ में जगह नहीं, इनरोलमेंट खत्म हो गया पहले ही, अब तो बाद में आए हो, लास्ट डेट चले गए। सूर्यदेव जी ने कहा कि एक बार में मेरे रथ में 60,000 ऋषिगण बैठ सकते हैं। कितने ऋषिगण बैठ सकते हैं सूर्यदेव के रथ में, विवश्वान जी के रथ में? 60,000 ऑलरेडी आई हैव मोर देन 60,000 पीपल इन माई रथ, हाउ कैन आई अकोमोडेट यू, आई कांट। जगह ही नहीं है, क्या करें, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनी फैसिलिटी, आई डोंट वॉन्ट फैसिलिटी,
मैं यहाँ पे आया हूँ लर्न करने के लिए, तो मुझे फैसिलिटी नहीं चाहिए। आप रथ चलाइए, मैं रथ के साथ साथ उड़ूंगा शिक्षा लेने के लिए। शक्ति थी अभी भी उनके पास, लेकिन किसी को सताने की शक्ति नहीं थी। किसी को सताने जाते थे तो भूल जाते थे, लेकिन वो जंप ऐसी लगाई कि जब उनका रथ, सूर्यदेव जी का रथ बहुत तेजी से चलता है, अब जानते हैं कि इस पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है 24 घंटे में, कितना बड़ा सर्कल लगाता है, बहुत दूर है हमसे, पास आ जाए थोड़ा भी, इतना भी पास आ गया ना यदि सूर्य हमसे, हम जल के भस्म हो जाएंगे। वो अपनी धुरी में घूमता रहता है, अपनी धुरी में घूमता रहता है सूर्य, तो 24 घंटे में वो एक चक्कर लगा लेता है, इसलिए दिन और रात होते हैं। तो उतनी तेजी से जब तक सूर्य देव जी वेद पढ़ाते रहे, वो उसी गति से घूमते रहे। फिर बीच में कहते हैं मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं भी ऐसे रथ के साथ साथ ऐसे घूम रहा हूं। तो फिर वो हनुमान जी ऐसे हो गए और ऐसे होके उड़ने लगे, वो देख देख के उनको, जो जो पढ़ाते थे विवस्वान जी उसको याद कर लेते थे एक बार में। तो किसने सिखाया है, ज्ञान किसने दिया है? सूर्य देव जी ने ज्ञान दिया है, इसलिए इतने ज्ञानी। बोले गुरु, गुरु दक्षिणा क्या दूं आपको? सूर्यदेव जी से कहते हैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, कुछ मांग लीजिए, आपको मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देना है। तो उन्होंने बोला मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है सुग्रीव, दैव योग से थोड़ा मूर्ख है, उसके पास जाओ, उसके मंत्री बन जाओ और उसकी सहायता कर लो। तो वो आके सुग्रीव के साथ रहते हैं, अन्यथा कहां हनुमान जी और कहां सुग्रीव, उन दोनों का कोई तालमेल नहीं है, फिर भी सेवक बन के उसके प्रभुताई करते रहते हैं, दास बने हुए हैं सुग्रीव के। जानते हैं जब प्रथम बार श्री रामचंद्र जी गए ऋषिमुख पर्वत में, और जाके प्रथम बार सुग्रीव मिले, तो सुग्रीव ने सोचा मेरी पत्नी को बाली ने हर लिया, इनकी पत्नी को रावण ने हर लिया, दोनों की एक ही गति है, दोनों एक जैसे हैं, मुझे निकाल दिया है बाली ने अपने राज्य से और मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ, इनको भी इनकी माता केकई ने निकाल दिया है, ये वन वन घूम रहे हैं, दर दर घूम, जो उन दुर्गति वो मुर्गति। तो उनसे गले मिलने लगे, तब तक हनुमान जी कितना मूर्ख है मन में, जिन प्रभु के चरणों में गिरना चाहिए, अपने शीश को रगड़ना चाहिए जिनके चरणों में, ये उनसे गले मिल रहा है, कितना मूर्ख। रामचंद्र जी को तो आसन दिया बैठने के लिए सुग्रीव ने, हनुमान जी बेचारे खड़े थे और रामचंद्र जी के मन में आया कि देखो मेरे भाई को आसन नहीं दिया। तो हनुमान जी अव्वल लेवल के सेवक हैं, प्रथम श्रेणी के सेवक हैं हनुमान जी, मन की बात को जान के सेवा करते हैं, है ना, मन की बात को जान के वो सेवा करते हैं। जैसे कल हमारे प्रभु खांस रहे थे, थोड़ा खांसी आया प्रभु, जिनके घर में कथा थी वो दौड़े 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 जाके पानी लेके आए। भक्तों की सेवा ऐसे करना चाहिए, ध्यान सब तरफ होना चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है, है ना। कभी कभी हमारे श्रीपति प्रभु खुद हारमोनियम उठा के चलते रहते हैं और जिनके घर में कथा होती है वो लगे रहते हैं किसी से बतियाने में, सोचते भी नहीं कि देखो इतने सीनियर भक्त हैं, थोड़ी हम जाके हेल्प कर लेंगे। तो सजग होना चाहिए कैसे भक्तों की हमें सेवा करें। तो इस लेवल के हनुमान जी सेवा की, तुरंत मन की बात पढ़ लिए, दौड़े और दौड़ के एक चंदन के वृक्ष को उखाड़ के ले आए और रख दिए और हनुमान जी से कहते हैं बैठिए, और हनुमान जी की तरफ देख के श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं। और जब सीता का पता लगा कर आए हनुमान जी, तो उनको उन्होंने गले से लगा लिया, श्री रामचंद्र जी गले से लगा दिया। और उस दिन हनुमान जी कहते हैं कि मैं इस देह को कदापि नहीं त्यागूंगा, वैसे ही वरदान है कि मैं जब चाहूं तब मरूं, अब मैं कभी नहीं मरूंगा। रावण भी नहीं मरना चाहता, हिरण्यकश्यप भी नहीं मरना चाहता, कंस भी नहीं मरना चाहता है, शिशुपाल भी नहीं मरना चाहता, या हनुमान जी भी नहीं मरना चाहते, फिर अंतर क्या है? हनुमान जी इसलिए नहीं मरना चाहते हैं, जिस दिव्य शरीर, जिस शरीर को श्री रामचंद्र जी ने छू लिया है वो दिव्य हो गया, अब मैं इसे कैसे त्यागूं? किसने आलिंगन कर लिया?
श्री रामचंद्र जी ने भगवान ने आलिंगन कर लिया, अब मैं भला ऐसे क्यों त्याग, उस दिन उन्होंने प्रण लिया मैं त्यागूंगा नहीं। कथा तो बहुत सी है लेकिन समय हो गया है इसलिए हम आपको एक छोटी सी बात बता के विराम देंगे। बहुत कथाएं हैं हनुमान जी की, 11 बजे तक आपको हनुमान जी की कथा सुना सकते हैं। छोटी सी बात बताते हैं, जिस समय पुल बन रहा था तो सारे वानर बैठे थे, सोच रहे थे पुल कैसे बनाएं, किसी के समझ में कुछ आ नहीं रहा था कैसे पुल बनाएं। तब तक हनुमान जी बैठे थे और बैठे बैठे वो पत्थर के ऊपर एक नाम खुरचने लगे। खुरचते उनको तो राम के अलावा कुछ आता नहीं है, राम नाम लिखती है, और वो पत्थर लुढ़क के जाके समुद्र में गिर गया तो तैरने लगा। तुरंत ऐसे देखते हैं हनुमान जी, अरे तैरने लगा तो लगता है यहाँ के सारे पत्थर तैरते हैं। फिर एक पत्थर उठाया उसको फेंका तो वो डूब गया। अरे वो डूब गया, ये तैर रहा है, क्या बात है। तो उसको उठा के लेकर आया कि इसमें ऐसा क्या खास है, इसमें राम का नाम लिखा है इसलिए तैर गया। तो एक और पत्थर लेके आया उसमें राम का नाम लिखा और फेंका तो वो भी तैर गया। तो खुश हो गए, खुश होके जाके नलनील के पास कहते हैं उपाय मिल गया। तो राम राम लिखते जाते थे और देते जाते थे पत्थर नलनील को, और नलनील सेतु बनाते जाते थे। बहुत विशाल सेतु का निर्माण केवल 5 दिन में कर लिया, ओनली इन फाइव डेज। बहुत बड़ा सेतु बना दिया, लंबा कितना था, 800 miles, 800 माइल्स लंबा था। चौड़ा कितना था जाने के लिए, 3 योजन, 1 योजन में 6 माइल, 8 माइल, एक योजन में 8 माइल, तो कितना हुआ, 24 माइल चौड़ा बना दिया। इतना बड़ा उन्होंने बना दिया। तो रामचंद्र जी ने सोचा ये लोग कर, मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो वो भी एक पत्थर उठाए और रखे, डूब गया। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम लोग रख रहे हो तैर रहा है, मैं रख रहा हूँ तो डूब गया। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिसको आप ही छोड़ दें वो कैसे संसार में तैर सकता है, वो तो डूबेगा ही। तो अगर प्रभु किसी का त्याग कर दें तो कैसे इस संसार में तैर सकता है बताइए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ही लोग बनाओ। वो जाके बैठ गए श्री रामचंद्र जी। एक गिलहरी वो रेत के कणों को लेकर आती थी और वो भी डालती थी बीच बीच में। तो हनुमान जी कहते अरे हट, कहाँ बीच में आ गई है, हम लोग को करने दो, काम करने दो। श्री रामचंद्र जी ने देख लिया, कहते इधर आओ हनुमान, इधर आओ। व्हाई डिड यू स्टॉप हर, हु टोल्ड यू टू स्टॉप। हनुमान जी प्रभु माफ कीजिए। तो कहते हैं अच्छा ये सेतु हम लोग क्यों बना रहे हैं बताए। तो हनुमान जी कहते हैं कि रावण का वध करने के लिए। क्या समझते हो मैं यहाँ बैठे बैठे रावण का वध नहीं कर सकता, ये सुदर्शन चलाऊंगा उसका वध अभी हो जाएगा, मन से ही सोच लूं तो वो मर जाएगा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति क्योंकि वो सबके हृदय में बैठे। तो वो कहते लंका पार करने के लिए, तो कहते एक आग्नेय अस्त्र निकालूंगा पूरे समुद्र को सुखा दूंगा, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं। तो प्रभु क्षमा कीजिए आप ही बताएं, तुम्हें सेवा में लगाने के लिए, आप लोगों को सेवा में लगाने के लिए हम ये पुल बना रहे हैं क्योंकि हम आपको सेवा में लगाना चाहते हैं। तो आप अपने बल से अपनी सेवा कर रहे हो और वो गिलहरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए कोई बात नहीं, बच्चे घूमकर आएंगे। तो हमने क्या कहा, क्या बताया हमने, अपने बल से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने बल से सेवा कर रहे हो, वो गिलहरी अपने बल से छोटे छोटे कणों को लेकर आती है, मेरी तुम कौन होते स्टॉप करने वाले सेवा करने में। रावण को पता चला कि पत्थर डालते हैं, पत्थर राम का नाम लिख के पत्थर डालते हैं समुद्र में और पत्थर तैर जाते हैं। तो रावण ने भी एक पत्थर लाया और राम का नाम, अकेले में कोई नहीं पत्थर लेके आया, राम का नाम लिखा और छोड़ा तो वो तैरने। रावण डर गया, भागा वहां से, कह रहे ये कोई जादू है, ये कोई जादू है करके वो भी भाग गया। तो ये बल है राम के नाम में, राम का नाम राम से भी ज्यादा।
शक्तिशाली है। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री रामचंद्र जी भी अवतार लिए अयोध्या के आंगन में, उसी चिरू के, उसी स्वीट राइस के प्रभाव से, कौशल्या के गर्भ से किसका जन्म हुआ? श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। देखिए छोटे से श्री रामचंद्र जी हैं तो उनके लिए झूले का निर्माण किया गया है। तो आरती करते करते आप लोग झूला झूला सकते हैं, भगवान को फ्लावर ऑफर कर सकते हैं। हरे कृष्ण रघुपति राघव राजा I'm not afraid.
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलो रघुपति राघव राम, से निकले सबरी के बैरों से निकले, द्रौपदी के वीरों से निकले द्रौपदी के वीरों से निकले, सबरी के बैरों से निकले, द्रौपदी के वीरों से निकले।
Krishna, Krishna, Hare Hare.
माइक ऑन रोहित प्रभु माइक ऑन और उधर चालू नहीं माइक ऑन है और माइक से स्विच ऑन भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित लालित सिया पी के भारत श्री Thank you.
की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ताई गौर प्रेमानंद Bye.